गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार सत श्री अकाल अदाब, मैं नंदनी गेड़ीवास के स्पेशल एपिसोड को लेकर हाजिर हूँ। आज का एपिसोड स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर्स डे। वैसे टीचर है क्या? वही जो हमें हर मोड़ पे चलना सिखाते हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जिन्हें हम अपने पेरेंट्स से भी पहले मानते हैं, वही तो है जो एक टीचर कहलाते हैं। आज हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करने आए हैं बस्ती बावा खेल में बने कोशिश फ्री स्कूल में, जहां हर बच्चे को फ्री में पढ़ाया जाता है। जी हाँ, तो चलिए यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट से कुछ बातें करते हैं, आइए। अपना अंबर खोज ले, अब तू अपने दम पर फूंक मार के धूल झाड़ दे, छोड़ छाड़ के सारे। बचपन में बच्चों के बहुत सपने होते हैं कि हम बड़े होके ये बनेंगे वो बनेंगे, तो आपका बचपन से ही सपना टीचर बनने का था या आप कुछ और बनना चाहते थे? नहीं, बचपन से ही मेरा टीचर बनने का सपना था, तो इस स्कूल में मेरा फर्स्ट स्कूल है जिसमें मैं टीचिंग की जॉब कर रही हूँ। नो, मेरा तो सपना यही था कि मैं टीचर बनूंगी बड़ी होकर। नहीं नहीं, मैं टीचर ही बनना चाहती थी क्योंकि टीचिंग जॉब मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। और टीचर ही क्यों बनना चाहते थे आप? शौक था, हॉबी थी मेरी कि मैंने यही बनना है, बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को गाइड करने का। तो कभी आपने एक्सपेक्ट किया कि जो चीज़ें आपने अपने टीचर के लिए किया आपके स्टूडेंट्स भी आपके लिए वो चीज़ें करें? बिल्कुल मैम, ऐसा किया है, हम चाहते हैं हम अपने टीचर्स के लिए करते थे। बिल्कुल करेंगे, अगर मैंने किया तो बच्चे भी तो करेंगे ही। क्या क्या चीज़ें की थी आपने? मैं टीचर बनती थी, डांस वगैरह मुझे बहुत शौक है डांस का, वो मैं डांस बच्चों को भी सिखाती हूँ, खुद भी करती हूँ। जब हम स्कूल पढ़ते थे तब हम अपनी टीचर्स के लिए गिफ्ट लेकर जाते थे और बच्चे और हम भी टीचर बनते थे। टीचर्स डे आने वाला है, हमने भी अपने बच्चों को कहा है कि कौन सा बच्चा है जो टीचर्स की एक्टिंग करना चाहता है वो आए एक्टिंग करे, बच्चों के नाम लिखे, बच्चे करेंगे एक्टिंग हमारी। तो आपके टीचर की कोई ऐसी सिखाई हुई बात जो आपको आज भी याद हो और आप उसको आज भी फॉलो करते हो, अपने बच्चों को भी वो चीज़ फॉलो करने को कहते हो कोई? बस मेरे टीचर ने बोला था यही, झूठ मत बोलना कभी, वही कि अच्छे बड़ों का आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। का और आपके टीचर का कोई ऐसा किस्सा जो आपको आज भी याद हो? टाइम के रूल्स थोड़े बहुत फॉलो किए हैं जो आज हम यहाँ पर बच्चों को गाइड करते हैं। टीचर सभी याद हैं, जब हम स्कूल पढ़ते थे ना वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और बहुत अच्छा समझाते भी थे। अगर हमने उस टाइम अच्छा समझा उनकी बातों को तब इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ, मुझे मैडम थप्पड़ मारा था पहली बार, बस वही याद रहा जिंदगी भर। वो गाइड करते हैं कि बच्चे पढ़ें, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अनपढ़ता की कोई वैल्यू नहीं है इस टाइम पे। जो हमने वहाँ पर सीखा है ना तो वो हम बच्चों को भी यही समझाते हैं, मतलब उनके थप्पड़ को आपने पॉजिटिव वे में लिया। बिल्कुल, बिल्कुल, सारे छप्पर आठ समंदर अपना अंबर खोज ले, अब तू अपने दम पर फूंक मार के धूल झाड़ दे, छोड़ छाड़ के सारे। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर छोटे बच्चों के खेलने के लिए कितनी सारी एक्टिविटीज आई है। खोल दे पर, खोल दे पर, खोल दे पर, खोल दे पर, खोल दे पर। काउंटिंग आती है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टक करता चौकीदार करता है सुमन होशियार, हाँ तुझे ही सोटी है, सोटी बड़ी मोटी है। जो सड़क पार जब करना इतनी बात ध्यान में रखना, पहले अपने दाएं देखो फिर तुम अपने बाएं देखो। रज रज के पढ़ांगे असी भी टीचर बनांगे। आपकी फेवरेट टीचर कौन है? रोशनी मैम। क्यों पसंद है वो आपको? मारते नहीं है वो? मैम जी गलती पे मार पड़ती है, वैसे नहीं पड़ती है। तो चलिए कोशिश फ्री स्कूल के प्रेसिडेंट मिस्टर जीपी जिंदल जी से बातें करते हैं और स्कूल के बारे में कुछ और जानकारियां भी लेते हैं, आइए। हम 10-12 मेंबर्स हैं, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा जो भी हेल्प कर सके गरीबों के लिए कुछ करें, तो हमने अपना एनजीओ बनाया। एनजीओ रजिस्टर्ड एनजीओ है हमारा। इनके जो सबसे पहले हमने स्कूल खोला वो हमने खोला था 22 फरवरी 2010 में पहला स्कूल खोला था, पहला कदम फ्री स्कूल। हमने कोशिश चैरिटेबल सोसाइटी बनाई, उसको रजिस्टर कराया, उसमें फिर हमने स्कूल खोला। कभी मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ बैठते रहते हैं, कई बार बच्चों को एजुकेशन मिले क्योंकि एजुकेशन के बिना कोई भी मतलब देश, कोई कंट्री, कोई शहर डेवलप नहीं कर सकता। अगर एजुकेशन होगी तो तभी तो आगे डेवलपमेंट होगी। तो उसी जब पहला स्कूल खोला तो एक टीचर थी, 6 बच्चे थे। अब हमारे पास 3 स्कूल हैं और 17-18 टीचर हैं। सबसे बड़ी बात है कि फ्री है, एवरीथिंग इज़ फ्री, तो उनको एलोरमेंट रुपये हमारा खर्चा तो कुछ है नहीं, तो आते हैं बच्चे। पहला कदम फ्री स्कूल रतनगर में है, वहाँ से हमने शुरू किया था। पहले वो स्कूल खुला, फिर वो सेकंड, वो दूसरा जो आप देखे हैं, तीसरा ये है।
अब हमने एक और जगह ली है, वो भी हम बच्चों के लिए उसमें प्ले ग्राउंड बनाएंगे भी, चलो बच्चों के लिए खेलने के काम आ जाए, क्योंकि बच्चों खेलने की जगह नहीं है, तो उसके बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी मीन्स कि जो यूनिफॉर्म और उनके लिए मतलब डेस्क और अच्छा एनवायरनमेंट, लाइट बिजली जो भी है हर चीज़ उनको मिलती है, तो दैट इज़ फ्री, तो ये उनके लिए। ऐसी हमारी टीचर्स हैं, टीचर्स के लिए तो हमारा वैसे ही हमारा सल्यूट है कि वो जस्ट मतलब आप सोचोगे कि फ्री में काम कर रहे हैं, जो हम उनको देते हैं वो कोई तनख्वाह नहीं है कुछ भी, तो तब भी वो करते हैं क्योंकि उनके दिल में भी है, वो यहीं से इसी एरिया में से हैं सब लोग, तो उनको है कि हम भी सेवा का काम करें। तो ये हम स्कूल नहीं कहते, वी जस्ट से दीज आर प्रेपरेटरी स्कूल्स, हम बच्चों को तैयार करते हैं, वी प्रिपेयर देम टू स्टडी। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट से बात करके, और सबसे बात करके एक चीज़ तो क्लियर होगी कि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, और इनके लिए पैसों से बढ़ के शिक्षा थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वैसे आज के एपिसोड में इन बच्चों ने पोएम से चार चांद तो लगा दिए। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ऑडियो चस्का प्रेजेंट्स गेड़ीबाज़, और हाँ ऑडियो चस्का को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।